श्रद्धा, आपकी उम्र काफ़ी कम लगती है, लेकिन आपने पहला गाना मेरे ख्याल से गाया था फिल्म खामोशी में। हाँ जी, खामोशी द म्यूज़िकल मेरी पहली शुरुआत थी करियर की। सेवन स्टैंडर्ड की एज में मैंने माइक फेस किया था वेस्टर्न आउटडोर स्टूडियो में, और कविता कृष्णमूर्ति जी के साथ में मेरा पहला गाना था। आई थिंक आई एम वेरी लकी कि संजय लीला बंसाली जी की पहली फिल्म और मेरा पहला गाना। श्रद्धा, लेकिन इतनी कम उम्र में ये कैसे पॉसिबल हुआ? पॉसिबल हुआ क्योंकि उस फिल्म में जयतन लाल जी का म्यूज़िक है खामोशी, एंड मुझे उन्होंने पहला ब्रेक दिया। उनको लगा कि मेरी वॉइस उस कैरेक्टर पे जाएगी, एंड आई थिंक आई गॉट द चांस। श्रद्धा, आपकी हाथ में क्या हुआ है? हाथ में आगे पट्टी क्या है? ये स्प्रेन माई हैंड वाइल एक्सरसाइजिंग जिमिंग चलता रहता है, हो गया। अरे श्रद्धा, आपको नहीं लगता कि आपको जो ऑफर होते होंगे कोई रोल्स भी फिल्मों के लिए गाने के अलावा? जी होते हैं, लेकिन आई एम नॉट वेरी कीन इन डूइंग एनी सॉर्ट ऑफ रोल फिलहाल, क्योंकि आई एम गोइंग टू बी अ लिटिल सिलेक्टिव। फिल्म एक्टिंग का जहाँ तक सवाल है, मुझे आई वांट टू गिव इट अ थॉट। ऐसा लग रहा है कि आप जो है एक्टिंग में भी इंटरेस्ट रखती हैं? हाँ रखती हूँ, बट एज आई सेड आई एम नॉट वेरी कीन ऑन गोइंग अहेड। अच्छा श्रद्धा, आपके पेरेंट्स ने कितना सपोर्ट किया आपको स्टार्टिंग से ही? पेरेंट्स का ही आशीर्वाद और पेरेंट्स का ही सपोर्ट रहा है। बचपन से ही मेरी मम्मी ने सोचा था कि मैं अपनी बेटी सिंगर बनाना चाहूँगी। उनका सपना ही पूरा हो गया? उनका ही सपना पूरा हो गया भगवान की आशीर्वाद से और मेरे माता पिता के आशीर्वाद से। आगे क्या क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर में? फ्यूचर में कटिंग एल्बम्स, लॉट ऑफ म्यूजिक ऑन द वे। अभी तो कुछ भी नहीं है, दिस इज जस्ट द बिगनिंग, क्योंकि मैंने जस्ट लास्ट ईयर अपना ग्रेजुएशन कम्प्लीट किया और अब मैं फुल टाइम म्यूजिक को देना चाहती हूँ। श्रद्धा, चलिए आपके चाहने वाले आपको जो सुनना पसंद करेंगे तो कुछ गुनगुना दीजिए आप। अभी जो गाना देव का जिसकी हम बात कर रहे थे जो काफ़ी मशहूर हुआ है, उसी के मैं कुछ लाइन सुनाती हूँ। रंग देनी पिया के रंग देनी ओढ़नी पिया के रंग देनी रंग देनी। श्रद्धा, आपने ये आवाज़ जो है इतनी खूबसूरत आवाज़ आपने पाई, तो उसके पीछे बहुत रियाज भी छुपा होगा। जी बिल्कुल, रियाज तो करना ही पड़ता है। तो कौन आपका जो है मास्टर रहा, कौन आपका टीचर रहा इसमें? मेरे दादाजी पंडित प्रताप नारायण जी, इज नो मोर, लेकिन उनसे मैंने 11-12 साल सीखा क्लासिकल शास्त्रीय संगीत, उनसे सीखा। और प्लेबैक सिंगिंग का जो एक नैक है, एक जो एक्सप्रेशन देना और नो उसकी जो तमाम चीज़ें हैं, वो मैंने अपने डैडी से सीखा, विश्वराज पंडित से। अच्छा, तो वो भी मतलब आपको काफ़ी प्रोत्साहन करते होंगे? बहुत बहुत ज़्यादा। श्रद्धा, चलिए अभी जो है घर में कैसा माहौल रहता है, क्योंकि आपके फादर भी इसी लाइन से जुड़े हुए हैं और आप भी, तो घर में एक बहुत ही संगीतमय माहौल रहता होगा? बहुत ज़्यादा संगीतमय माहौल रहता है, और वी ऑलवेज टॉक अबाउट म्यूज़िक, क्रिटिकली भी उसको देखते हैं। एट द सेम टाइम चाहते हैं कि अच्छा म्यूज़िक जितना हो सके बाहर आए। वी वॉन्ट, बिकॉज हम संगीत के घराने से हैं, तो हम चाहते हैं कि आजकल की जो जनरेशन है वो अवेयर हो क्लासिकल म्यूज़िक से। चलिए श्रद्धा, हमसे बात करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। माई प्लेजर।